आज के इस वीडियो में ताऊते तूफान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दें। ये वाला जो तूफान था, मतलब ताऊते, ये अरब सागर में आया था। अगर आप मैप को देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल है। भारत में अधिकतर तूफान बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं, लेकिन ये तूफान अरब सागर में आया था, यानी कि ये जो गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, इस वाले बॉर्डर पे। तो अभी अभी ये तूफान आया था, नाम था ताऊते। और ये जो ताऊते नाम है, ये इंडियन नाम नहीं है, ये किसी और देश का नाम है, और इसका मतलब होता है अधिक शोर करने वाले छिपकली। अधिक शोर करने वाले छिपकली। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई तूफान आने वाला होता है, चक्रवाती तूफान, तो उस एरिया के जो भी देशों का एक संगठन होता है, वो मिल करके इसका नामकरण करते हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जब भी तूफान आता है तो इसके लिए जो नामकरण किया जाता है, उसका नाम है संस्था का प्रशांत एशियाई क्षेत्र। इस संगठन में कुल मिला के 8 देश हैं, जिसमें म्यांमार भी है। तो इस बार का जो नाम रखा गया था ताऊते, ये नाम रखा गया था म्यांमार के द्वारा। यहाँ पे अगर इंडिया में देखेंगे तो जब ताऊते आया है तो सबसे ज़्यादा इसने प्रभाव डाला है गोवा पे, गुजरात पे, महाराष्ट्र पे। तो ये दो तीन ऐसे राज्य हैं, इसके अलावा भी कई सारे राज्यों पे असर पड़ा है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा असर हुआ है। ये जो ताऊते था, यह एक प्रकार का चक्रवात था, और चक्रवात तभी आते हैं जब निम्न वायु दाब बनता है। जब भी निम्न वायु दाब बनेगा तो चक्रवात आएगा। इस चक्रवात को देखने का जो काम करता है, इसका नाम है WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, ये है जिनेवा में। इसके अलावा WMO की स्थापना की गई थी 1950 में। तो यही कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर में कौन सा तूफान आया था, तो हमने अभी आपको बताया इसका नाम है ताऊते। ये अरब सागर में आया था, ये जो गुजरात वाली इलाका है इसको हम अरब सागर बोलते हैं, और ये जो बंगाल वाला है इसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ताऊते शब्द का क्या मतलब है बताइए। ये आपके विकल्प है, आपके पास 5 सेकेंड होगा हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। शुरुआत में जो हमने फैक्ट बताया है उसी में सारे उत्तर होंगे। तो ताऊते का मतलब होता है अधिक शोर करने वाले छिपकली। ताऊते तूफान किन राज्यों को स्पर्श किया, इनमें से किनको स्पर्श किया, किनको नहीं किया? देखिए, ये केरल को भी किया था, गोवा को भी किया था, गोवा में तो सबसे ज़्यादा विनाश किया, इसके बाद महाराष्ट्र में भी किया, गुजरात में भी किया। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ताऊते तूफान से सबसे प्रभावित, सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? सबसे पहला प्रभाव गोवा पे हुआ, और गोवा सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसके बाद गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है। सही उत्तर होगा गोवा। किस देश ने अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम ताऊते रखा है? जो ये नाम है ताऊते, या फिर कहीं कहीं आपको ताकते देखने को मिल रहा है, तो इसका नाम किस देश ने रखा है, ये आपसे पूछा गया है। ये रखा है म्यांमार ने। इसका अर्थ मतलब क्या होता है? शोर करने वाले छिपकली। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत, यानी कि WMO पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में से कौन से देश शामिल है? मतलब जो WMO ESCAP है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है? यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, ये चारों शामिल है, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान और कतर, ये भी शामिल है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये भी शामिल है, यानी कि सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर पाएंगे,
और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चक्रवात क्यों आते हैं? सिंपल क्वेश्चन है ये आपके विकल्प। चक्रवात क्यों आते हैं? चक्रवात इसलिए आते हैं जब भी निम्न वायु दाब बनेगा तो चक्रवात आएगा। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके विकल्प है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया ये है जिनेवा। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। अगला है कि प्रशांत एशियाई क्षेत्र के कितने देश चक्रवाती तूफान के नाम तय करते हैं? जो भी प्रशांत एशियाई क्षेत्र में तूफान आएगा तो उसमें कितने देश हैं जो कि इसका नामकरण करते हैं? तो इन देशों की संख्या है 8। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें जहाँ आपको ढेर सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।